हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड इट इज़ थर्सडे ट्वेल्थ ऑफ नवंबर सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस न्यूज़पेपर सो फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर द न्यूज़ एंड टुडेस न्यूज़ आल्सो बेस्ड ऑन बिहार इलेक्शन है ना एंड दैट इज़ व्हाट कि मोदी जी ने बोला है कि पीपल ट्रस्ट एन डी एस पॉलिसीज़ पी प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है कि जो लोग हैं वो ट्रस्ट करते हैं भरोसा करते हैं किस पर एन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसकी नीतियों पर भरोसा करते हैं तो जो एन है मैंने कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ कि एन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें मेन जो पार्टी है वो है बीजेपी है ना तो कई सारी पार्टीज़ का एक है गठबंधन है तो बिहार में भी जो इलेक्शन हुआ जो सरकार बनेगी वो एन ही की बनेगी मतलब इसमें नीतीश की भी सरकार रहेगी और मोदी जी की भी सरकार मतलब पार्टीज रहेगी दोनों को मिलाकर बनेगी है ना तो उन्होंने बोला है कि लोग जो हैं वो एन डी ए की जो पॉलिसीज़ हैं नीतियाँ उनके ऊपर भरोसा करते हैं ठीक है और उन्होंने बोला अलायंस विल फुलफ़िल प्रॉमिस ऑफ बिहार मैंडेट जो अलायंस है जो गठबंधन है वो फुलफ़िल करेगा पूरा करेगा जो वादे किए गए थे है ना कि प्रॉमिस ऑफ बिहार मैंडेट जो मैंडेट का मतलब होता है कि जो बहुमत मिला है है ना उसके प्रॉमिस को पूरा किया जाएगा अंडर नीतीश लीडरशिप है ना कि नीतीश नीतीश मतलब नीतीश की लीडरशिप के अंडर अंतर्गत किया जाएगा ऐसा मोदी जी ने बोला तो चांद श्योर हो गया कि मु, कौन मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे है ना तो ये थी आज की न्यूज़ मेन हमारी जो थी और भी कई सारे मेन न्यूज़ में है न्यूज जैसे गवर्नमेंट टू गवर्न है ना ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स है ना गवर्नमेंट टू गवर्न मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्न करेगी शासित करेगी ओ टी टी जो है ओ टी टी का मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स मतलब ये बड़ा ही सख्त कदम लिया गया है जैसे बहुत सारे आ, जो कंपनीज़ हैं जो बनाई गई जो प्रोडक्शन हाउस हैं रिलेटिंग टू मूवीज़ है ना जो थे नेटफ्लिक्स हो गया अमेज़न हो गया और आपके उल्लू करके आता है तो बहुत सारी जो हैं क्या कि प्लेटफॉर्म्स थे वो क्या करते थे, थे मूवीज़ को रिलीज़ करते थे तो उनको सेंसर नहीं हो पाता था तो उनको सेंसर करने के लिए क्या किया गया कि? जैसे हॉट स्टार हो गया तो इसको सेंसर करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई अब गवर्नमेंट इसको सेंसर करेगी इनकी ज, आ, जाँच करेगी जहां पर लगेगा कि इनको मूवी रिलीज़ होनी चाहिए तो रिलीज़ करेगी नहीं तो नहीं करेगी है ना अभी तक कोई नहीं था जैसा कि आपको यहां पर देख, देख रहा है नेटफ्लिक्स दिख रहा है होलू दिख रहा है ना तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मूवीज़ रिलीज़ करते हैं जो कि इनका सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है उसी को क्या करने के लिए रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने है ना डिसीजन लिया हुआ है तो अब जितना भी डिजिटल कंटेंट है है ना वो क्या करेगा गवर्न किया जाएगा ना ही सिर्फ मूवीज़ बल्कि करेंट करेंट में जो आपका न्यूज़ रहेगा उसको भी गवर्न करेंगे और किसके अंतर्गत किया गया है ये हमारा जो पूरा डिसीज़न लिया गया इसको गवर्न करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना और जो इनके हेड कौन है मिनिस्ट्री ऑफ आपके जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर हैं वो क्या हैं यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर है ना तो वही इस, इसके उन्हीं के अंतर्गत अंतर्गत ये सब आएगा तो ये मेन हमारी न्यूज़ थी है ना आगे चलते एक और हमारी न्यूज़ है अ, अ, अगर आप लगातार ये वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें मैंने कई बार मेंशन किया है कि लद्दाख वाला लद्दाख वाला इशू चल रहा है तो वही लद्दाख स्टैंड ऑफ़ है ना इस्टैंड ऑफ़ मैंने कल भी बताया था स्टैंड ऑफ मतलब वो स्थिति होती है गतिरोध होता है जहां पर कोई नतीजा नहीं निकलता मींस जो बहस लड़ाई झगड़ा चलता रहता है लेकिन वहाँ पर रिजल्ट कोई नहीं निकल पा रहा था तो वही उन्होंने लिखा कि लद्दाख स्टैंड ऑफ़ इंडिया चाइना फ़ाइनलाइजिंग डिसंगेजमेंट प्लान की इंडिया और चाइना क्या इंडिया और चाइना क्या करेंगे कि ये करेंगे फाइनलाइज फाइनल फाइनलाइजिंग वो फाइनल कर रहे हैं क्या डिस प्लान कि दोनों अपनी अपनी सेनाएं वहाँ से हटा लेंगे है ना इसको लेकर प्रपोजल किया गया और हाल ही जल्द ही फिर से एक बैठक होने वाली है है ना आगे देखते हैं कि सेंटर ने क्या कियावेल का वेल का मतलब होता है घूंघट तो अनवेल का मतलब होता है घूंघट हटाना घूंघट हटाने का मतलब क्या होता है चीज़ों को क्या करना है उनका उद्घाटन करना उनको इंट्रोडक्शन पब्लिक में लेके आना तो सेंटर अनावेल्स इंसेंटिवस इन इंसेंटिव्स का मतलब प्रोत्साहन देने के लिए जो कुछ पैसा खर्च करती है उसको इंसेंटिव्स बोलते हैं टू बूस्ट मैनुफैक्चरिंग तो सरकार ने क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेंसडे को उसने है ना कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का प्लान किया है जिसमें वो खर्च करेगी 1.46 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट फाइव इयर्स तक है ना अगले पाँच सालों में एक uh, 1.46 लाख खर्च करेगी मैनुफैक्चरिंग सेक्टर पर ताकि क्या हो उसको बूस्ट कर सके उसको प्रोत्साहन दे सके है ना उसको और आगे बढ़ाया जा सके है ना आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ग्रा, ग्रांट्स कल आपने न्यूज़ में देखा था हेडलाइन में था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स अंतरिम बेल टू अर्नब अर्नब को क्या और रूप से अंतरिम बेल उनको दे दी गई है है ना ये अंतरिम हिंदी भी है और इंग्लिश में भी वही होता है इंग्लिश में भी वही से बढ़े फिर डेली के डेली कोविड नाइनटीन केसेस क्रॉस एट के इन कैपिटल मतलब आठ हज़ार से भी ज़्यादा केसेस दिल्ली में क्रॉस कर चुके हैं डेली केसेस जो हो रहे हैं तो वहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो रही तो सरकार ने बोला उसी से रिलेटेड ये देखो ये हमारी न्यूज़ है उसी से रिलेटेड है ना कि डेटरेंट एक्शन नीड टू नीड ऑफ द आर मतलब कि समय की मांग क्या है डिटरेंट एक्शन मतलब कि डिटरेंट आपका क्या होता है आप बोल सकते हो कि निवारक बचाव करने वाला जो लॉ कानून की एक्शन की हमको जरूरत है या डिटरेंट आप उसको बोलते हो कि ऐसा लॉ कानून लेकर एक्शन लो जिससे लोग डरें बाहर आपकी बात को माने तो डिटरेंट जैसे पुलिस व्यवस्था जो हमारी होती क्या डिटोरेंट के लिए होती लोगों को डराती ना कि गोली मारती है ना तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि ऐसा एक्शन लो जिससे लोग डरें और उसको पालन करें है ना और उसका निवारण हो सके तो ये भी उसी से रिलेटेड न्यूज थी दिल्ली से है ना और जो हमारे फार्म बिल्स हैं आप अच्छे से जानते हैं तो फार्म बिल्स में क्या है फार्म आ, फार्मर्स फॉर्म ऑन दिल्ली मार्च अगेंस्ट नवंबर में वो लोग मार्च करने वाले हैं तो वो इन्होंने बोला कि जो फार्मर्स हैं एकदम दृढ़ हैं अपने निर्णय पर कि दिल्ली में मार्च करेंगे कि किसके खिलाफ़ सेंटर सेंटर्स से फॉर्म लॉ जो सेंटर के कानून हैं है, है ना जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड का, कानून है उनके खिलाफ़ वो लोग प्रदर्शन करने के लिए मार्च करेंगे है ना तो ये तो हो गई कॉलम्स न्यूज़ हमारे जो मेन थी अब आते हैं कॉलम्स में देख लेते हैं क्या क्या हमको मिलेगा है ना तो केरला शुड एनहांस ठीक है विजिल केरला को ज़रूरत है वो विजिल का मतलब होता है नज़र रखना निगरानी रखना कि जैसे कैमरा वगैरह का यूज़ किया जाता है किसके नज़र रखने के लिए तो केरला शुड एनहानस कि विजिल केरला को ज़रूरत है कि उसको बढ़ा बढ़ा देना चाहिए इनहान्स कर देना चाहिए विजिल जो निगरानी है उसको सेज स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के के ठीक है शैलजा के के सैलजा ने बोला है ऐसा स्टेट जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने ऐसा बोला कि केरला निगरानी बढ़ा दी है ना गुज्जर साइन कोटा पैक्ट विद राजस्थान गवर्नमेंट गुजर जो है उन्होंने कोटा पैक्ट साइन कर लिया किसके साथ सर गवर्नमेंट सरकार के राजस्थान गवर्नमेंट के साथ आफ्टर सिक्स आवर टाक्स है ना कि छः घंटे के बातचीत के बाद है ना ये पैक्ट साइन हुआ है स्पुतनिक वी वैक्सीन इज़ नाइन्टी टू परसेंट अफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना कोरोना वायरस रशिया ने क्या बोला कि स्पुतनिक वी जो है वैक्सीन है वो इफेक्टिव है नाइन्टी टू परसेंट है ना किसके अगेंस्ट कोरोना वायरस के अगेंस्ट ये ऐसा क्यों बोला गया नाइन्टी टू परसेंट इसलिए बोला गया क्योंकि अभी दो दिन पहले जो यूएस की वैक् वैक्सीन है पी फिज़र है ना वो आई है तो फिज़र वैक्सीन आने की वजह से क्या हुआ है वो 90 परसेंट इफेक्टिव है तो उसी अब मुझे तो यही लगता है कि उसी को कंपैरिजन के चक्कर में इन्होंने 92 परसेंट बोला इफेक्टिव है है ना वैक्सीन ये रशिया की है अगली जो हम अगली न्यूज़ है रिलेटेड टू यूएस है ना कि जो बाइडेन होल्ड स्टॉक्स विद लीडर्स ऑफ फोर यूरोपियन कंट्रीज मतलब कि जो बाइडन है जो नए प्रेसिडेंट हैं है ना उन्होंने धीरे धीरे कारोभार अपना संभालना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने क्या किया है कि टॉक्स रखी थी एक बात कॉन्फ्रेंस जो भी रखा हो है ना बात करने के लिए बात की है मीटिंग रखी थी विद लीडर्स ऑफ फोर यूरोपियन कंट्रीज है ना यूरोपियन 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 देशों के चार नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत रखी थी है ना तो ये आज हमारी आज के न्यूज़ है नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल तो आज हम एडिटोरियल नहीं डिस्कस करेंगे हमारा कुछ पोर्शन न्यूज़ पोर्शन रहेगा है ना बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलेटेड टू मेघालय कोल माइनिंग है ना कि जो मेघालय में इलीगल कोल माइनिंग है उसी से रिलेटेड है क्योंकि तो आज के हमारे एडिटोरियल में दोनों के पेज क्या हैं कि इलेक्शन बेस्ड पर पॉलिटिक्स को बेस्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड ले हैं तो वो हमारे काम का उतना नहीं है है ना तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेघालय गवर्नमेंट जो हाँ एलिगेशन लगाया गया है ये, किसके एक किसके द्वारा है ना एक एनजीओ ने लगाया हुआ कि जो मेघालय गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है इलीगल जो अवैधानिक कोल माइनिंग है उसको वो इनकेज कर रही है बढ़ावा दे रही है सर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है है ना एन ने भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी बैन लगाया हुआ है फिर भी वो क्या कर रही हैं कि बढ़ावा दे रही तो ये हमारा आज का ये टॉपिक है मेघालय गवर्नमेंट इनक्रेजिंग इलीगल माइनिंग है ना जो मेघालय गवर्नमेंट है सरकार है वो क्या कर रही है कि इनक्रेज कर रही है प्रोत्साहन दे रही प्रोत्साहित कर रही इलीगल माइनिंग के लिए मतलब कुछ ऐसे काम दे रही छूट दे रही जैसे ऑटोमेटिकली लोग उसको काम इलीगल माइनिंग में काम कर रहे इलीगल माइनिंग मतलब कोल माइनिंग है ना ये बैन क्यों किया गया बैन इसलिए किया गया है कि जो रेट रेट होल होता है रेट होल का मतलब छोटे छोटे माइनिंग इसमें जो की जाती है छोटे होल बनाए जाते हैं है ना कि जो खा, आ, जो खदानें होती हैं उसमें छोटे छोटे होल होते हैं और लोग वहाँ पर जाकर एंटर करते हैं और फिर पानी की मदद से उसमें क्या होता है कोल माइनिंग किया जाता है तो कई बार हुआ कि बहुत लोगों की डेथ हो गई तो इस वजह से उस पर बैन लगा दिया गया दूसरा उसका जो पानी निकलता है वो नदियों में जाता है तो वहाँ के जो आसपास पास की जो नदियाँ हैं वो सारी की सारी प्रदूषित हो गई हैं और वहाँ का वातावरण इतना गंदा हो रहा है हवा इतनी प्रदूषित हो रही है इस वजह से जो एन है जो पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करती है एन मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना ये अथॉरिटी है जो कंट्रोल करती है कि तो वही उसी ने मीन्स बैन किया था बहुत पहले ही तो उसी से रिलेटेड आज हमारा ये डिस्कशन है है ना तो मेघालय गवर्नमेंट एनकरेजिंग इलीगल माइनिंग ये किसने क्लेम किया ऐसा एक एन और दूसरा जो कांग्रेस के वहाँ सपोर्टर है उन्होंने ऐसा बोला है है ना क्योंकि मेघालय में सरकार किसकी है है ना बीजेपी की है एन डी ए लेट गवर्नमेंट है इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है ना कंटेम्प्ट का मतलब अवहेलना है किसकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना अवहेलना है क्लेम्स एन जी क्या होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब है ना कि जो प्राइवेट बनाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्राइवेट भी नहीं होते ना तो सरकारी होते हैं ना तो ये नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एन जी ओ तो इन्होंने क्लेम किया एन जी ओ ने क्लेम किया है कि इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि ये जो है कंटेम्प सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना है कि आप क्या कर रहे हो इलीगल माइनिंग माइनिंग को इनक्रेज कर रहे हो और सीएम ने क्या बोला सी एम से टू थाउजेंड केसेस फाइल्ड अगेंस्ट गिल्टी जो लोग गिल्टी थे उनके लगभग दो हज़ार केसेस फाइल किए जा चुके हैं तो ये मीन्स सब हेडलाइन है अब हम चलते हैं कि जो मेन हमारा है वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक एक को देख करके है ना तो चलिए शुरू करते हैं कह रहा ओके okay. यहां से चलिए तो अ मेघालय बेस्ड राइट्स ग्रुप हैज अक्यूज अलायंस गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ इंकरेजिंग इलीगल कोल माइनिंग इन द कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मतलब कि मेघालय बेस्ड एक राइट्स ग्रुप है मतलब लोगों के अधिकार को जी बात करता है अधिकारों की बात करता है वो कैसे ग्रुप है यानी कि एनजीओ ने एक्यूज़्ड किया है मतलब दोषी ठहराया है द अलायंस गवर्नमेंट अलायंस गवर्नमेंट मतलब समझौते से जो वहाँ सरकार बनी है उसको है ना इनक्रेजिंग गवर्नमेंट इन द स्टेट राज्य में जो सरकार बनी है समझौते से उसको इनकरे तो वो सरकार क्या कर रही है इंकरेज कर रही है इलीगल कोल माइनिंग को अवैधानिक कोल माइनिंग इन और ये है क्या इन द कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और वो ये क्या क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट हो रहा है कि आ, आप बोल सकते हो कि ये कंटेम्प्ट इसलिए बोला जा रहा है अवहेलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया फिर भी आप क्या कर रहे हो कि ऐसे सिचुएशन खड़ी कर रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए ये गलत है तो ऐसा उसने बोला है कि ऐसा किसने बोला है ऐसा जो ग्रुप है मतलब जो एन है उसने ऐसा बोला है है ना आगे चलते हैं आगे जो बोला है कि दिस फॉलोज और एक कब हुआ दिस फॉलोज है स्कैदिंग एंड अटैक स्कैदिंग का मतलब सख्त अटैक क्या हुआ है तीखा अटैक किसके द्वारा हुआ है अटैक्ट बाय द अपोजिशन कांग्रेस इन अपोजिशन कांग्रेस इन द सिक्सटी मेंबर मेघालय असेंबली ओवर द इशू ऑफ इ माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल है ना कि मतलब कि ये अटैक किसके द्वारा किया गया ये दिस फॉलोज ये घटना हुई किसके बाद है ना की स्कैदिंग अटैक बाई अपोजिशन अपोजिशन ने अटैक किया कांग्रेस ने सिक्सटी मेंबर और ठीक है इन द सिक्सटी मेंबर मेघालय असेंबली ओवर द इश्यू ऑफ इलीगल माइनिंग इलीगल माइनिंग के ऊपर इन्होंने अटैक किया इन्होंने बोला तो इसके बाद ये घटना हुई है ना और क्या एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल कोले का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको लेकर के अटैक किया गया था और उसके बाद क्या चीफ मिनिस्टर कॉन्ट्राट कौ, है ना कॉन्ट्राट के संगम संगम ने सी के सीके संगम ने क्या बोला है इंसिस्टेड उन्होंने जोर दिया है सेवरल एस्ट्रिंजेंट मेजर्स है ना सख्त मेजर्स दिया हैव बीन टेकन मतलब कौन जो है कौनराट के संगम सी के संगम ने क्या बोला कि सख्त का नियम लिए गए हैं इसके लिए है ना कदम उठाए गए हैं बीन है टेकन लिए जा चुके हैं इंक्लूडिंग जब ऐसे उनके ऊपर अटैक किया गया तब इन्होंने ऐसा जवाब देते हुए बोला सख्त कदम उठाए गए हैं और क्या इंक्लूडिंग केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट कुछ केस रजिस्टर्ड किए गए एंड ट्वेंटी पीपल फॉर फ्लॉन्टिंग द बैन फ्लॉटिंग क्या होता है फ्लॉटिंग का मतलब उल्लंघन करना किसका बैन जो बैन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था उसका उल्लंघन करने के चक लिए दो लोगों को उसके ऊपर क्या है केस रजिस्टर किए हैं उनको ऐसा सरकार ने जवाब दिया जब उनके ऊपर आरोप लगा तब एन जी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना आप देखो वही बता रहे कि एन यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ठीक है हैड इन अप्रैल 2014 थाउजेंड द बैन बैन लगाया था किसके ऊपर इसी के ऊपर कोल माइनिंग के ऊपर ऑन रेट होल रेट होल नॉट रेट होल रेट होल रैट होल माइनिंग मतलब रैट होल क्यों बोला गया जो चूहे का बिल होता उतना जैसा उसका मतलब छोटा छोटा जो उसका जो माइनिंग करते हैं उसका जो गेट बनाया जाता है वो छोटा बनाया जाता है तो वहाँ पे लोग फंस जाते तो कई बार बहुत बार डेथ हो गई हो गई है तो रेट होल रेट होल माइनिंग के ऊपर उन्होंने बैन लगाया कौन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कब दो में है ना तो ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है है ना द स्टेट गवर्नमेंट लेटर क्लेम्ड द टनस ऑफ ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड कोल माइनिंग अराउंड ठीक है वेरियस माइनिंग साइट्स है ना आप इसने ए, ए, ये भी आरोप लगा रहा है कि लगा रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट है उसने बाद में क्या किया क्लेम्ड कर लिया मतलब उसके ऊपर अपना दावा ठोक दिया टन्स ऑफ जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड कोल पड़ा कोयला पड़ा हुआ था उसके ऊपर उस उन्होंने अपना दावा ठोक कर मतलब उसको हथियार लिया है ना एंड कहाँ पर माँ, वेरिस माइनिंग साइट जो जगहें थी वहाँ पर और नीडेड टू और ज़रूरत क्या थी नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड है ना जिस नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू प्रिवेंट द लोकल इन्वायमेंट फ्रॉम द फ्रॉम बींग पोल्यूटेड तो उसके ऊपर क्लेम करके क्या उसको ट्रांसपोर्ट करा दिया गया है ना कि जिसको जरूरत थी और वो नुकसान पहुंचा रहा था किसको नुकसान पहुंचा रहा था जो बेसिकली जो वातावरण था उसको है ना आगे देखते हैं ओके जसवेत है ना इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाइंग द वॉल्यूम अब देखो फिर इनके ऊपर प्लेम लगाया जा रहा बजा है बजाय इसके कि वो, वो एकदम वस्तुनिष्ठ होकर के क्या करें एकदम क्लियर कट होकर के वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करें एंड लोकल लोकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड कोल को आइडेंटिफाई करें ऐसा ऐसा इसके बजाय सरकार ने क्या दिया क्या किया दस दस स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट उसने ढूंढा क्या सेल्फ डिक्लेरेशन देकल, उसने खुद से स्वघोषित पत्र बनाया फ्रॉम द कोल ले लिया फ्रॉम द कोल माइनर्स Declaration, declaration है ना कोल माइनर से सेल्फ डेक्लेशन का फॉर्म भरवा लिया एंड रिसीविंग मिनरल ट्रांसपोर्टेशन चालान और उनसे रिसीव कर लिया कौन सा मिनरल ट्रांसपोर्टेशन चालान है ना ये होता क्या है पेमेंट रिसिप्ट ले लिया उनसे एंड टू ट्रांसपोर्ट द एंड सेल देयर कोल और उनके कोयले को बेचा जा सके द एन जी ओ थामा यू रांगली की सेट ऑन वेंसडे वेंसडे को इसने आरोप लगाया ये कहना क्या चाहता है कि उसने क्या बोला कि ये एन जी ओ कह रहा है कि बजाय इसके कि ये ये क्या करते उसको आइडेंटिफाई करते वॉल्यूम वहाँ पर कितना कोयला है जगह को आइडेंटिफाई करते इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो कोल माइनर्स थे जिन्होंने ठेका लिया था उनसे क्या ये फी रिसिप्ट इन्होंने ले लिया और जाके कोयले को बेच दिया जाके है ना ये ब्लेम लगा रहा है कौन एन जी ओ वहाँ का है ना आगे देखते हैं And next may पैरा में क्या बोला था एक्सट्रैक्टेड कोल क्वांटिटी वाज रिपोर्टेडली इन्फ्लेटेड है ना एक्सट्रैक्टेड जो कोल क्वांटिटी थी वो रिपोर्टेडली है ना इन्फ्लेटेड थी मतलब कि बाहर से तो बहुत ज़्यादा लग रहा था अंदर इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फ्लैट का मतलब सा एकदम समतल होता है इन्फ्लेटेड का मतलब उभरा होता है मतलब अंदर कुछ नहीं था बाहर बाहर से दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा कोल है तो उन्होंने क्या बोला कि कहने का मतलब इ, इन्होंने इसको बिकवा दिया वहाँ से हटवा लिया था है ना द एन जी टी सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली का मतलब उसके बाद परिणाम मतलब एन जी टी है नेशनल ग्रीन ट्राइबुलेंटली और टिक ऑर्डर द गवर्नमेंट गवर्नमेंट को आदेश दिया टू तो सेट अप कमेटी कमेटी को सेटअप करे फॉर एसविंग एसविंग का मतलब जारी करने के लिए क्या नेसेसरी गाइडलाइंस की जो जरूरी दिशा निर्देश हैं उनको रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच एक्सट्रैक्टेड कोल तो इस तरह का जो कोल निकाला गया था कोयला निकाला गया था उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए तो, एन uh, जो एन ने क्या किया कि परिणामता सरकार को आदेश दिया कि वो uh, कमिटी बनाएं है ना कि इन सबको पहचानने के लिए कोल जे, का वॉल्यूम कितना था इनको पहचानने के लिए है ना तो ये हो गई आगे चलते हैं द कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी के एस फाउंड दैट द वॉल्यूम एक्सट्रैक्टेड को एक्सट्रैक्टेड कोल मतलब कि जो कोले का वॉल्यूम था मतलब मतलब आयतन था जितना उसका वजन था जितनी उसका वॉल्यूम था है ना बाय द माइनर्स इधर नॉन एग्जिस्टेंट या तो वहाँ पर था ही नहीं या और हैड बीन इन्फ्लेटेड मतलब उसको एकदम खा इन्फ्लेटेड का मतलब होता है कि वहाँ से उसको क्या कर दिया गया कि मतलब पोखला कर दिया गया वहाँ से निकाल लिया गया था है ना ऐसा वो बता रहे कहने का मतलब उन्होंने वहाँ से हटवा लिया था और अपने यूज़ में ले लिया था उसको कोल माइनर्स है अब देखो कोल माइनर्स ने क्या बोला है ना कोल माइनर्स हैड इन दिसंबर 2018 थाउजेंड टोल द सुप्रीम कोर्ट मतलब कोल माइनर्स ने जिनसे उन्होंने लिया था डिक्लेरेशन वाला फॉर्म भरवा लिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया कि टोल द सुप्रीम कोर्ट विच हैड अप हेल्ड द एन जी टी वैन है ना जिसकी वजह से क्या हुआ कि एन जी टी वैन लगा था यहाँ कॉमा से यहाँ पर एक कोल्ड को उन्होंने को क्या बताया कोल्ड को ये सॉरी कोर्ट को ये बताया वन पॉइंट सेवन लाख मेट्रिक टनस ऑफ एक्सट्रैक्टेड कोल वॉज लेफ्टी टू बी ट्रांसपोर्टेड मतलब कि जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको मेन पढ़िए इतना यहाँ से ये मेन हमारा है, है ना ये क्या कर रहे हैं कि जो माइनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वन पॉइंट सेवन सेवन लैख मेट्रिक टन जो है एक्सट्रैक्टेड कोल वॉज लेफ्ट बचा हुआ था टू बी ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्ट करने के लिए है न निर्यात करने के लिए तो अब आगे हुआ क्या सच्चाई क्या है देखते हैं है, है ना हाउ वज इट और एक कैसा था दैट सेक्रेटरी टू मेघालय माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट फाइल एन एडिशनल एफिडेविट एडिशनल एफिडेविट फाइल किया रिपोर्ट अपनी दी इन इन, इन द कोर्ट ऑन अप्रैल टेन दस अप्रैल को दो हजार उन्नीस है ना क्लेमिंग देयर वॉज थर्टी टू पॉइंट फाइव सेवन लैक मेट्रिक टन ऑफ कोल एट टू बी ट्रांसपोर्टेड मतलब कि उन लोग जो 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 वहाँ के कोल माइनर्स थे ना उन्होंने झूठ भूला उन्होंने क्या बोला कि वन पॉइंट सेवन 1.7 मतलब बहुत ही कम था 1.7 लाख मीट्रिक टन भी था लेकिन इन्हें ने जो कमेटी से की सेट की, से की गई थी सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या बताया कि वहाँ पर जो कोयला था बत्तीस पॉइंट पाँच सात लाख मीट्रिक टन वहाँ पर कोयला बचा हुआ था जो कि अभी ट्रांसपोर्ट करना बाकी था है ना तो कहने का मतलब है कि इसमें फंस रहा है मामला द एन जी ऐसा एन जी ओ ने बोला है ना इट दैट चालान्स वर सर इलीगली और चालान अवैधानिक रूप से इशू जारी किए गए थे एंड द गवर्नमेंट इस यूज गवर्नमेंट ने यूज़ किया कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन कोविड नाइन्टीन का जो लॉकडाउन था उसका यूज़ किया एंड पार्शियल लॉकडाउन टू और वहाँ पर पार्शियल लॉकडाउन लगाया आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया टू फेलिसिटेट सॉरी फैसिलिटेट इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल मतलब उन्होंने जो एक तरह से जो कोविड नाइन्टीन है इसका उन्होंने यूज़ किया फ़ायदा उठाया है ना और वहाँ पर कोल माइनिंग कराई तो किसका कोविड नाइन्टीन का फ़ायदा उठाया मतलब लोग यहाँ मर रहे हैं लेकिन वहाँ पर क्या कर रहे हैं सब एन के हिसाब से फ़ायदा उठा रहे हैं कोविड नाइन्टीन का भी है ना कांग्रेस डिमांड अब कांग्रेस डिमांड क्या करते हो कांग्रेस टू शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट मिसमैच इन द फिगर्स ऑफ एक्सट्रैक्टेड कॉल वॉल्यूम है ना कॉल वॉल्यूम तो कांग्रेस भी चाहती है क्या एक्सप्लेनेशन दो भाई एक्सप्लेन करो समझाओ हमको कि ये जो फिगर में मिसमैच इतना क्यों है कोल माइनर्स कह रहे हैं कि वन पॉइंट सेवन सेवन लाख मीटर मीट्रिक लाख है ना लाख मीट्रिक टन जो है कोयला उतना का वहाँ पर बचा हुआ है ट्रांसपोर्ट करने को बाकी लेकिन रिपोर्ट

कि भाई मिसमैच हो रहा है ऐसा उनके ऊपर ब्लेम लगा है हेड नॉट रिज्यूम्ड सिंस द बैनॉन टू थाउजेंड थर्टी टू लैक टंस वॉज स्टिल वेटिंग टू बी ऑक्शन फॉर ट्रांसपोर्टिंग मतलब क्या है कि देखो सरकार इसने क्या बोला एक बार फिर से इसको देख लेते हैं इन्होंने बोला है कि भाई अगर ट्रांसपोर्ट किया गया तो वो ट्रक्स आ कहाँ रहे से है ना कि उन्होंने क्या बोला कि आ, आ, कि कैरिंग कोल वर कमिंग फ्रॉम इफ द ट्रक्स माइनिंग ऑपरेशन चल रहे थे तो ट्रक्स आ कहाँ रहे से एज द गवर्नमेंट क्लेम गवर्नमेंट ने बोला है हैड नॉट रिज्यूम सिंस गवर्नमेंट ने यह भी क्लेम किया कि ये चला ही नहीं है कब से कोल माइनिंग के ऑपरेशन चले ही नहीं कब से जब से इसके ऊपर बैन लगाया गया है, है ना कि तब से इसके ऊपर नहीं चला ऐसा उन्होंने बोला है हैड नॉट रिज्यूम्ड चालू ही नहीं किया गया है फिर से है ना सिंस द बैन एंड मोर थर्टी टू लैख टन्स वर स्टिल वेटिंग टू बी ऑक्शन फॉर ट्रांसपोर्टिंग है ना कि एंड मोर देन थर्टी टू लैख टन्स ऑफ स्टिल वेटिंग टू बी ऑक्शन फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए थर्टी टू लैख टन से भी ज़्यादा का कि ऑक्शन के लिए पड़ा हुआ है बोली उसकी भी नहीं लगी है है ना तो आगे देखते मिस्टर संगम डिफेंडेड द फिगर मिस्टर संगम ने उसको डिफेंड किया फिगर को और बोला उन्होंने क्या कि ब्लेमिंग द कांग्रेस कांग्रेस को फॉर क्रिएटिंग क्रिएट कर रही सच में ऐसा है नहीं क्रिएट कर रही थर्टी टू लैख मेट्रिक टन्स ड्यूरिंग इट्स रूल है ना कि अपने उसने क्या बोला कि उनके काल में थर्टी टू लैख था वही अब वो भी वो क्लेम कर रही वही बना रही है इशू है ना तो ये है ही सेड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ असेसिंग द कोल वॉज सबमिटेड टू द एन जी टी है ना you know, ही सेड और इन्होंने क्या बोला कि इन दूरा पूरा का पूरा जो प्रोसेस था असेस करने का मूल्यांकन करने का कोल कोले को जो असेस करने का रहा मूल्यांकन करने का था पूरा किसको जमा कर दिया गया है एन को जमा कर दिया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को जमा कर दिया बट है ना ऑक्शनिंग जो बोली लगनी थी मतलब बोली लगती है ना कॉन्ट ठेका मिलता है ऑक्शनिंग हैड टू बी डिलेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द रेलिवेंट अथॉरिटीज मतलब कि जो जिन अथॉरिटीज की हमको ज़रूरत थी उन अथॉरिटीज़ की ज़रूरत ना मिल उनको अप्रूवल ना मिलने की वजह से वहाँ पर इन सब में डिले हो गया देर हो गई है ना ऐसा उन्होंने दिया बताया चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हाव एवर एडमिटेड दैट गवर्नमेंट हैज़ बीन फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ इलीगल कोल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सरकार ने बोला है कि हाव एवर वह हालांकि वह फेस कर रही सामना कर रही कि अवैधानिक रूप से कोल माइनिंग चल रही है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है है ना और सरकार ने यह भी बोला कि वी हैव ऑलमोस्ट फाइल्ड उन्होंने फाइल किए हैं दो हज़ार इन द पास्ट फाइव ईयर पिछले पाँच सालों में उन्होंने फ़ाइल किए हैं हैड ही सेट उन्होंने कहा एडिंग दैट और आगे क्या बोला द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स गवर्नमेंट ने कदम भी उठाए हैं सच इस सच इस हाई सिक्योरिटी चैलानस है ना कि हाई सिक्योरिटी चैलेंज को इश्यू करने के क्या विद स्पेशल इंक एंड होलोग्राम लगा मोहर लगा करके उसके ऊपर है ना फॉर्मिंग और बनाया भी क्या है टास्क फोर्स बनाया है एंड ज्वाइंट पेट्रोलिंग ऑफ पुलिस है ना कि जॉइंट पेट्रोलिंग ऑफ पुलिस बनाए मतलब वहाँ पर जाके चेक करते रहे जाँच करती रहे हैं एंड माइनिंग ऑफिशियल्स एट डिफरेंट लोकेशन इन द स्टेट मतलब माइनिंग ऑफिशियल्स को भी रखा है पुलिस को भी रखा है उनके साथ जॉइंट करके ये बनाया है मतलब सरकार एक तरफ डिफेंड कर रही दूसरी तरफ कांग्रेस और जो वहाँ के जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनके ऊपर दोष दोषार दोषारोपण कर रहे हैं है ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो ये आज की हमारी जो थी मीन्स एडिटोरियल था काफ़ी अच्छा था मेघालय के ऊपर बना है तो मेघालय और ये ज़रूरी है वहाँ बंद करना इसलिए क्योंकि ये ख़तरनाक है वहाँ की वजह से वहाँ का वातावरण वहाँ का नदियों का पानी पीने लायक नहीं बचा है है ना तो ये सारे इशूज़ हो रहे हैं तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ सो मीन्स न्यूज़ भी थी और एडिटोरियल में हमने तो डिस्कस नहीं किया लेकिन काफ़ी चीज़ अच्छी चीज़ें डिस्कस की हमने और देखा सो फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द सेशन Do subscribe our channel. Thank you.